जम्मू कश्मीर के गांदरबल में रविवार रात आतंकियों ने गैर स्थानीय लोगों पर हमला किया। इसमें डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 मजदूरों के भी घायल होने की खबर है। उन्हें श्रीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सभी मजदूर केंद्र सरकार की तरफ से चल रहे सुरंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। रविवार रात शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन सोमवार सुबह भी जारी है। गांदरबल के इस हमले में 50 किलोमीटर दूर बारामूला में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को भी मार गिराया है। उसके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। इस इलाके में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। गांदरबल का आतंकी हमला जिस क्षेत्र में हुआ वह CM उमर अब्दुल्ला के विधानसभा क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा, मैं इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि पीड़ित परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति दे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हालात सुधरेंगे। देखिए, मैं जहां तक ताल्लुक है इस हादसे की, इसको जितने भी कड़े लफ्जों में इसको कंडेम किया जाए वो कम है, और जो जाने गई हैं उनके लिए हमें बड़ा अफसोस है, और मैं जो परिवार जिन्होंने ये अपने लोग खोए हैं उनको मैं भगवान से यही दुआ करूं कि भगवान उनको हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकि वो इस हौसले इस हादसे को बर्दाश्त करें, जो सदमा इनको लगा है इसको बर्दाश्त कर सकें। बाकी यह है कि जहां तक ताल्लुक है, हालात तो सुधारने पड़ेंगे और सुधरेंगे और टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन जहां तक ताल्लुक है कि जिन लोगों ने ये किया है उनके लिए LG साहब ने भी कहा है, ऑनरेबल CM साहब ने भी कह दिया है, तो लिहाजा मैं तो आज के डेट में यही कहूंगा कि हमें बड़ा दुख है और बड़ा अफसोस है इस हादसे के लिए।